ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। नमाज ईद के बड़े इज्तमात होंगे। बादशाही मस्जिद, दाता दरबार मस्जिद, जामे नईमिया और जामतुल मुंतजर में इज्तमात की तैयारियां। शहर की छोटी बड़ी मसाजिद और खुले मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। CCPO गुलाम महमूद डोगर की जेर सदारत फ्लैग मार्च, अमनो अमान का जायजा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मवेशी मंडियों में रात गए रश रहा। एक से बढ़कर एक जानवर पेश, छेल छबीले बकरे, सजीले छतरे और दुम्बों के क्या कहने। जिससे मनपसंद जानवर मिल गया उसकी मौज, कुछ बजट की कमी का शिकार, कीमतें नीचे आने का इंतजार। बारिश के बाद मवेशी मंडियों का बुरा हाल, रास्ते पानी से भर गए। पाइन एवेन्यू, लकुडेर, सगिया मंडी में कच्ची जगह दलदल में तब्दील। व्यापारी अपनी मदद आप के तहत मंडियों में जमा पानी निकालते रहे। मौसम की खरीदारी के बायस खरीदारों की रफ्तार धीमी। व्यापारियों को वापस जाने की भी जल्दी, मंडियों से निकलकर गली मोहल्लों का रुख कर लिया। चौक चौराहों पर डेरे, गर्मी के साथ जानवरों के दाम भी नीचे गिरने की इत्तला। जिसे कसाब मिल गया वो खुशहाल, जिसे ना मिला उसकी तलाश में बेहाल। बुकिंग बंद के बोझ लग गए। छोटे जानवर के 8,000, बड़े की 20 से 30,000 डिमांड। असल के साथ जाली की भी भरमार। अनाड़ी कसाबों के बुकिंग के लिए बुलंदो बांग दावे। छुरियां तेज करने वालों ने भी महंगाई का टोका चला दिया। छोटी छुरी के 40 से 60, बड़ी के 120 रुपए तक वसूल। मुठियां और दरियां भी महंगी कर दी। जानवर को हम खिला रहे हैं क्या, पत्ते। बकरों को पट्टे और प्यार करते हैं, अल्लाह की तरफ से कुर्बानी करते हैं। जानवरों की आवभगत के लिए चारे के स्टॉल्स कायम। झांझरों की झनकार, बच्चे अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में लग गए। जुदा होने का भी गम, बड़ों की कुर्बानी के बाद पेट पूजा की फिक्र। घरों में बनने लगे पकवानों के प्लान्स। बारबेक्यू के लिए अंगीठियों की भी खरीदारी। कोयले के दाम भी ऊपर चले गए। मानसून रंग जमाने लगा। तूफानी बारिश ने शहर के दरों दीवार को धो डाला। मौसम का भी मिजाज बदला। गर्मी कुछ देर के लिए रुखसत हुई, शहरियों को रिलीफ मिल गया। ईद के पहले और दूसरे दिन भी बादल बरसने की पेशगोई। बारिश की तूफानी इनिंग्स, नशेबी इलाके ही नहीं पोश आबादियों में भी पानी भर गया। वॉल्टन टाउनशिप, गढ़ी शाहू, मिश्री शाह, ताजपुरा, स्कीम पानी पानी हो गई। हरबंसपुरा, शेरशाह रोड, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पानी में डूब गया। निजामाबाद का निजाम दरहम बरहम, अंडरपास भी भर गए। दर्जनों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बादल बरसे और जमकर बरसे, पानी वाला तालाब भर गया। 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, फरुखाबाद का दूसरा नंबर। 104 मिलीमीटर बारिश झेलना पड़ी। निश्चर टाउन 101, लक्ष्मी चौक 90, जौहर टाउन 86, समनाबाद 73, गुलशन रावी 75 और चौक नाखुदा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का नकासी आपका जायजा। रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा, लॉरेंस रोड, लक्ष्मी चौक, चोबुर्जी, करतबा चौक का दौरा किया। DC और MD वासा भी मुतहरक, अमले के काम की तारीफ। बारिश का पानी सर्विसेज अस्पताल के तहखाने में जा घुसा। दियात रिकॉर्ड को संभालने में मुश्किलात। जनरल अस्पताल की राहदारी भी पानी से भर गई। मुख्तलिफ वार्ड्स में टिप टिप होने लगी। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। चूंग और मुगलपुरा पुलिस स्टेशन भी पानी से भर गए। हवालातियों को मुश्किलात दरपेश। बारिश के बाद मुश्किल हालात। LWMC की हिकमत अमली तैयार। ईद पर सफाई कमीशन, सैकड़ों गाड़ियां फील्ड में होंगी। शहरियों में लाखों वेस्ट बैग तकसीम। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए UCs में कैंप्स लगेंगे। हेल्प के लिए 1139 नंबर जारी। असिस्टेंट कमिश्नर और अमले की छुट्टियां मंसूख। सेक्रेटरी बल्दियात का कंट्रोल रूम का दौरा। नूरुल अमीन मेंगल को ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। ईद से पहले महंगाई का तूफान, सब्ज मसालों के बढ़ गए दाम। अदरक 500, लहसुन 260, लीमू 150, सब्ज मिर्च 140 रुपए किलो हो गई। टमाटर की भी सेंचुरी, प्याज 40 रुपए से सीधा 60 रुपए पर जा पहुंचा। सरकारी निर्णय पर अमल ख्वाब बन गया।
कोरोना की होलनाकी बढ़ने लगी, मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में 165 नए मरीज रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 3.7 हो गई। इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर में रश, आज ईद की छुट्टी होगी। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले महकमे स्कूल के अफसरान को मुअत्तल करने का फैसला, ईद के बाद सबका सर्टिफिकेट चेक होगा। इश्तिहारियों की तलाश, पुलिस की 10 छापामार टीम्स तैयार, CIA को टास्क मिल गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर कहते हैं हम दुश्मनों की जिंदगी अजाब बना देंगे। शहर के बदमाशों का पलड़ा भारी, 10 रोज गुजर गए किसी बदमाश की थाने हाजिरी ना लगी, 835 अफराद की फहरिस्त बनी, गोगी भट्ट समेत कोई थाने पेश ना हुआ। CCPO का ऑर्डर कागजी कार्रवाई ही साबित हुआ। ईद पर जहरीली शराब के फरोग की इतलात, महकमा एक्साइज ने नाकाबंदी कर दी। गैर कानूनी शराब बेचने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा, 4 खसूसी टीम्स छापे मारेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी अदालतों के क्याम का मुसवदा तैयार, खसूसी अदालतों में सुनवाई, 6 माह में फैसला होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी नोटरी या पाकिस्तानी काउंसिल की तस्दीक के साथ ई फाइलिंग कर सकेंगे। ब्रेक फेल का बहाना, चकमा देकर 4 छतरे ले जाने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार, अवैस ने खरीदार के छतरे लोड किए, ब्रेक का बहाना करके उसे नीचे उतारा और निकल गया। गढ़ी शाह पुलिस ने मुबैना मुलजिम दबोच लिया, चारों जानवर बरामद कर दिए। खातीन से पर्स और मोबाइल छीनने वाले पुलिस के हत्थे छड़ गए, असद और आसिफ शादरा से गिरफ्तार। उधर गाजियाबाद पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर दबोच लिए, नवाज और इमरान से लूट का माल और असलहा बरामद कर दिया। कंटोनमेंट बोर्ड्स का इंतखाबी मार्का, नून लीग ने 12 वार्ड्स पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 1 से अली हसन अब्बास को टिकट जारी, वार्ड 2 से रजी खान, वार्ड 8 से नईम शहजाद भट्टी नामजद, वार्ड 9 से असद अयूब मैदान में उतरेंगे। वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 1 से चौधरी इशफाक, वार्ड 3 से शरीफ नंबरदार, वार्ड 4 से मियां फकीर हुसैन का इंतखाब, वार्ड 5 से राजा नूर सुबहानी, वार्ड 6 से नुमा नईम का चुनाव। रुकन कौमी असेंबली अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, अमजद मिर्ज़ा, इश्तियाक सैफी और दीगर की शिरकत। कश्मीर के इंतखाबात से मुतालिक लाहमल तैयार। उधर शाह जमाल में PTI उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की रिहायशगाह पर बैठक, कारकुनान से मुशावरा। पंजाब पुलिस के 4,200 जवान ईद पर भी अपनों से दूर, आजाद कश्मीर और सियालकोट के इंतखाबात में अम के मिशन पर रवाना, आवाम के जानो माल के रखवाले फराए संभालने रवाना। खाना खिलाना मुलाकात का है एक बहाना, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर का आशाया, सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी, रहनुमा नून लीग सुहेल ज़िया भट्ट, उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने शिरकत की। मोहतमम जामा शर्फिया, हाफिज खालिद, सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइज और खालिद कयूम भी शरीक हुए। जल्लो मोड़ पर बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास, राशिद करामत भट्ट का मेयर लाहौर मुबशर जावेद को दोहराना, राव शहाबुद्दीन, मुश्ताक मुगल, मियाँ तारिक, एजाज हफीज, चौधरी बिलाल, महर महमूद और दीगर की शिरकत। बल्दियाती निज़ाम की बहाली पर तबादला ख्याल, मुबशर जावेद ने कहा आवाम के हकूक की जंग लड़ते रहे। शहर में सफाई का निज़ाम बहाल, LWMC दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो गया, अब इसे करप्शन से पाक करना है। सूबाई वजीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद की मीडिया टॉक, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुलमीन मेंगल के इकदाम की तारीफ, कहा नूरुलमीन मेंगल ने शहर की तरक्की के लिए लाजवाब इकदाम किए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में तब्दीली आ गई, 7 साल तारीख में पहली बार खातून प्रोफेसर की तकरीरी, डॉक्टर सैमा यासीन शोबा केमिकल इंजीनियरिंग में लेक्चर देंगी, इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता पंजाब की पहली खातून प्रोफेसर। ईद आई खुशियां लाई, खातीन की तैयारी मुकम्मल, कपड़ों और जूतों के साथ मैचिंग चूड़ियों की खरीदारी, बाजारों में खूब रश रहा, हिना की महक भी चार सू फैल गई।
रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब, नुमाइशी मैच में फाइनल की फातह टीम को शिकस्त। मलिक नवीद और मियां ताहिर की जोड़ी ने मदसर रियाज और राना इरफान को हरा दिया।